इस वीडियो पर मैं लोगों को लाइट वर्क की मदद से कुछ इस तरीके की एडिटिंग सिखाऊंगा। गाइस ऐसा एडिटिंग करने का मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो है गाइस वन क्लिक में आप लोग प्रीसेट की मदद से एडिटिंग कर पाओगे, दूसरा है गाइस आप लोग मैनुअल तरीके से कैसे इस तरीके की एडिटिंग कर पाओगे, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। सो गाइस चलिए कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले नॉर्मल फोटो को लाइट मैप के अंदर इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस यहां पर आप लोगों को सबसे पहले फोटो का जो लाइट है इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। लाइट को एडजस्ट करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक है मैनुअल दूसरा है ऑटो। गाइस अगर आप लोग ऑटोमेटिक एडजस्ट करना चाहते हो तो ऑटो वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस कीजिए, और अगर आप लोग मैनुअल तरीके से लाइट को एडजस्ट करना चाहते हो तो मैनुअल पर टैप कर सकते हो आप लोग, यानी लाइट वाले ऑप्शन, ठीक है। सो मैं लाइट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पर जैसे कि 60 के अंदर मुझे ज़्यादा चमक लग रहा है, इसका जो हाईलाइट है इसको मैं माइनस की तरफ कर दूंगा, और उसके बाद शेडो को थोड़ा सा हाई, व्हाइट को माइनस की तरफ, ब्लैक को हाई, ठीक है। फोटो गाइस कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और मिक्स वाले टूल के अंदर जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बोला वीडियो के अंदर मैं नेचुरल कलर टोन एडिटिंग सिखाऊंगा, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा कलर को, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। गाइस सबसे पहले आप लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर देना है और लुमिनेशन को हाई, ठीक है। फेस गोरा हो जाएगा, बहुत ही अमेजिंग दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है, सेचुरेशन को फुल्ली माइनस की तरफ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो ह्यू है इसको राइट की तरफ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है, सेचुरेशन को फुल्ली हाई कर देना है एंड उसके बाद ह्यू को राइट की तरफ करना है, ठीक है। फोटो आप लोग देख सकते हो कितना अमेजिंग लुक दे रहा है फोटो, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर से ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर देना है और ह्यू को थोड़ा सा माइनस की तरफ कर सकते हो आप लोग। और उसके बाद जो फोटो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। कितना रियलिस्टिक एडिटिंग हो चुका है वो भी लाइट मैप के अंदर, ठीक है। सो गाइस यहाँ से आप लोगों को डन पर टैप करना है। करने के बाद गाइस व्हाइट बैलेंस को देख लेना है। व्हाइट बैलेंस एक फोटो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग व्हाइट बैलेंस को अपने फोटो के मुताबिक से एडजस्ट कीजिएगा। मैं मेरे फोटो के मुताबिक से कर लेता हूँ एडजस्ट, ठीक है। आप लोग भी कर लीजिएगा अपने फोटो के मुताबिक से, मैं जैसे कर रहा हूँ। और उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से आप लोगों को क्लैरिटी पर जाना है, क्लैरिटी को हाई कर देना है। जितना क्लैरिटी हाई करोगे उतना ही चमक आ जाएगा फोटो के अंदर। और यहाँ से गाइस जो वीगनेस है इसको माइनस की तरफ करना है एंड गाइस आप लोगों को जाना है नॉइस रिडक्शन पर और नॉइस रिडक्शन को हाई कर देना है, ठीक है। और शार्पनेस को एंड आपका जो फोटो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा लुक, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। लास्ट में मैं वीडियो के जैसे कि मैं आप लोगों को बोला गाइस, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे आप लोग प्रीसेट के मदद से इस तरीके का एडिटिंग कर पाओगे। गाइस आप लोगों को सिंपली इस प्रीसेट को डाउन, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एंड सेव करने के बाद गाइस मैं इसको यहाँ पर पहले जैसा कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। और उसके बाद जैसे कि इस वाले प्रीसेट को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, वन क्लिक में हो जाएगा आपका फोटो कुछ इस तरीके का एडिटिंग, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सेटिंग को एंड कॉपी करने के बाद गाइस इस फोटो के अंदर पेस्ट कर दूंगा। सिंपली कोई भी फोटो के अंदर पेस्ट करोगे तो इस तरीके का कलर बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।